जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चोरी का जो अमाउंट है जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है और कैश है, ये 65 लाख के लगभग है। वहाँ पे जो शॉप में जैसे कहा कि वो सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहे थे, जब हमने इनका मोडस ऑपरेंडी देखा और जो पास्ट की हमारी चोरियाँ हुई हैं उसमें जो मोडस ऑपरेंडी में सिमिलैरिटी पाई गई, तो जो हमारा सस्पेक्ट था जब हमने उसकी फर्दर लोकेशन वगैरह ली तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, हमारा शक और बढ़ा। फिर फर्दर हमने जो है सीसीटीवी कैमरा जो आगे जो लेंस बाई लेंस में थे उनको खंगाला, तो उसमें जो सस्पिशियस मूवमेंट उस व्यक्ति की पाई गई जो लास्ट ईयर चोरी में इन्वॉल्व था, जब उसको हमने जीरो इन किया और उसके साथी को भी जीरो इन किया, दोनों को जब पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि हमने जो चोरी की है। और फर्दर जो है मैंने जैसे कहा कि 3 अलग अलग जगहों पे इन्होंने जो चोरी का सामान छुपाया हुआ था वो सारा का सारा जो है जम्मू पुलिस ने रिकवर किया है। सर, टीम के लिए कितना चैलेंजिंग था क्योंकि जिस एरिया में चोरी हुई है वहाँ सीसीटीवी कैमरा बहुत कम है एज कम्पेरिजन टू रघुनाथ बाजार या फिर बाकी एरियाज के लिए, पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो गया था जहाँ पर सीसीटीवी कैमराज भी कम हो, कितना मुश्किल हो गया था, कितना चैलेंजिंग था ये? सर्टनली जहाँ सीसीटीवी कैमराज नहीं है वहाँ ये चैलेंजिंग था। इसके साथ ही और भी हमने जो टेक्निकल इनपुट्स जो उनके फ़ोन के जो कॉल डिटेल एंड बाकी चीज़ों के ऊपर भी हमने काम किया, तो ये सराहनीय काम है कि जो हमारी जो नॉर्थ की जो टीम है, एसपी सिटी है, एसडीपीओ नॉर्थ है, एसएचओ सिटी है, उन्होंने ये अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स और इस चोरी को निकाला। बट मैं आपको आपसे आपके माध्यम से ये जम्मू की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाएं। बहुत सी और वारदात हैं जैसे कहीं पे चोरी होती है, कहीं गाड़ी चोरी होती है, और जो सीसीटीवी फुटेज में जब जो सस्पेक्ट है जो जिसने चोरी की होती है जब फुटेज आता है, जब हम जो फुटेज को पब्लिक में सर्कुलेट करते हैं एट द सेम टाइम जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनमें सर्कुलेट करते हैं फुटेज को, तो उसमें कई बार जो इमीडिएटली पता चलता है इसने पहले भी कहीं चोरी की थी, किसी और थाने में पकड़ा गया था। तो सीसीटीवी जो कैमरा है वो मेरे आपके माध्यम से जम्मू की जनता से अपील है से ज़्यादा लगाए जाएँ, खासकर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। और अगर कहीं लेन है, लेन में 50 घर हैं, अगर दो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे अगर गुड क्वालिटी और कैमरा हो जिसमें रात में भी जो नाइट विजन फैसिलिटी हो तो वो हमारे लिए सफिशेंट है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर कहीं उनको कोई भी सस्पेक्ट व्यक्ति दिखता है, सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट दिखती है, तो वो हमें तुरंत बताएं ताकि हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि टीनेट वेरिफिकेशन का भी डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने ऑर्डर किया था, तो टीनेट वेरिफिकेशन भी जम्मू में हुई है और जिन्होंने नहीं करवाई है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ उसमें FIR भी रजिस्टर्स हुई हैं, आगे भी कार्रवाई हुई है। तो मेरी आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील है कि जिन्होंने टीनेट वेरिफिकेशन अपने टीनेट्स की नहीं कराई है वो जल्दी से जल्दी कराएं। जो को बाहर का वो व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, जहाँ आपके दूसरे थाने के जुरिडिक्शन से रह रहा है, उनको नहीं पता है कि कहीं एक ही जो इसका ओरिजिनल पुलिस स्टेशन है वहाँ किसी क्राइम में मुलव्वस तो नहीं है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही आपके माध्यम से जम्मू की जनता से जो अपील करना चाहता हूँ कि पहले तो हम अपनी प्रेजेंस इतनी फील्ड में बढ़ा देंगे कि ये ऐसी घटना हो ही ना, अगर फिर भी अगर ऐसी घटना कहीं घटती है तो उसको हम जो है पूरे अपने रिसोर्सेज लगा के जल्दी से जल्दी जो है रिकवर करेंगे। अगर कहीं चोरी होती है या कोई और दूसरी टाइप की इंसिडेंट होती है और जो उसके बिहाइंड जो कल्प्रिट्स हैं, जो अक्यूज्ड पर्सनस हैं, उनको कानूनी तौर पर जो सजा मिलनी चाहिए वो दिलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।